नमस्ते दोस्तों, तो फिर से लेके आ चुके हैं राधा कृष्ण फोटो एडिटिंग। देख सकते हैं मेरा किस प्रकार का हुआ है और आप सबको भी लाइव प्रूफ इसी प्रकार का सिखाऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना है, कहीं पे स्पीक मत करना है, तो स्पीक करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे आप लोग। तो चलो बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो चलो बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यही है वो मेरा बैकग्राउंड, इसी बैकग्राउंड पर बैठाएंगे गर्ल्स और अपना पीएनजी फोटो। तो चलो इसको शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो मैंने सिंपली शेयर कर लिया हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर आने के बाद इन पर चलेंगे और यहां से फुल एचडी कर लेंगे फोटो को और 5:5 टाइप करने के बाद यहां पर टाइप करेंगे और यहां पर 3098 और इनको हटा करके 3098 टाइप कर देंगे, फिर यहीं पे टाइप कर देंगे और ये मेरा हो गया। और अपना गर्ल्स और अपना पीएनजी लाएंगे, तो मैं सिंपली ले लेता हूं इधर से, सॉरी इधर स्क्रॉल करेंगे और ये रहा और मैं सिंपली ले लेता हूँ। तो मैंने पहले फेस स्मूथ और फेस गोरा करके रखा हूँ। आप लोग नहीं जानते हैं फेस स्मूथ करने और गोरा, तो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का लिंक, वहीं से आप लोग जा कर के सीख सकते हैं। और उसके बाद जितना भी मैं पीएनजी लगाऊंगा सारे पीएनजी का लिंक वही डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाके डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को। तो सिंपली इस पर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद यहां पर आएंगे, आने के बाद इस पर टाइप कर देंगे और ये मेरा उधर घूम गया और साइज को बढ़ा लेंगे और इधर की तरफ छोड़ देंगे और इसका भी साइज बढ़ाएंगे और यहाँ से इनको नीचे कर देंगे पहले और इन पर टच कर देंगे तो नीचे हो जाएगा मेरा और ये सिंपली हो गया नीचे। तो उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे, अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लेना है और डन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये मेरा हो गया, देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। और उसके बाद और बाउसली पीएनजी लाएंगे और देख सकते हैं मैंने 3 पीएनजी ऐड किया हूँ और इनको सिलेक्ट करेंगे। पहले तो इनको कर लेते हैं सिलेक्ट, माला को अच्छी तरह से और सिंपली इरेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जाने के बाद इनको यहाँ से अच्छी तरह से काट लेंगे और सिंपली यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये हो गया। और उसके बाद यहाँ हैंड पर छूट रहा है और इनको भी अच्छी तरह से करेंगे यहीं पे आकर के, अच्छी तरह से इरेज कर लेंगे अच्छी तरह से इरेज कर लेंगे नहीं तो नहीं अच्छा लगेगा ये फोटो। तो ये मेरा सिंपली हो गया। उसके बाद फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे और बॉसली वाले पीएनजी को लेंगे, इसको हैंड पर बैठाएंगे अच्छी तरह से और ये हो गया। फिर इरेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जाने के बाद जो हैंड पर आ रहा है इनको काट लेंगे और अच्छी तरह से काटेंगे और यहाँ पर छूट रहा है हल्का हल्का और ये हो गया। फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ पर बैठाएंगे और ये हो गया। उसके बाद
यहाँ फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये हो गया। और PNG लाएंगे जो कि छूट रहा है मेरा, और देख सकते हैं मैंने 4 PNG ऐड किया हूँ जो कि इस प्रकार का है। पहले तो इनको हैंड पर बैठाएंगे अच्छी तरह से, और ये हो गया। फिर चलेंगे इरेज वाले ऑप्शन पर, जाने के बाद इनको फिर अच्छी तरह से काट लेंगे। फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर इसको लेंगे और यहाँ पर बैठा देंगे अच्छी तरह से, और ये हो गया। फिर इनको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको लेंगे और इसको ले लेने के बाद यहाँ पर आएंगे और इस पर टैप कर देंगे जो कि उधर घूम जाएगा मेरा, और ये घूम गया। और फिर चलेंगे इरेज वाले ऑप्शन पर, जाने के बाद जो आ रहा है हल्का हल्का उनको काट लेंगे, तब ये अच्छी तरह से दिखेगा। और ये हो गया। फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ से। क्लिक करने के बाद फिर ये मोर वाले PNG को लेंगे, इरेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जाने के बाद इनको हाफ काट लेंगे यहाँ से, और ये हो गया। और उसके बाद साइज को छोटा कर लेंगे और यहाँ पर अच्छी तरह से ऐड कर देंगे, और ये हो गया। फिर उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ से, और PNG लाएंगे जो कि यहाँ पे था। और देख सकते हैं मैंने 3 PNG ऐड किया हूँ, और उसके बाद अच्छी तरह से बिठाएंगे। पहले तो इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद इनको ऊपर कर देंगे और इस वाले साइज को बढ़ा लेंगे बीच में ला करके, और ये साइज को बढ़ा देंगे जो कि अच्छी तरह से हो जाएगा मेरा। और उसके बाद ये वाले PNG को इधर लाएंगे बीच में, लाने के बाद इनको भी साइज बढ़ा देंगे, और साइज बढ़ा देंगे जो कि अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए, और उसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जितना भी मैं PNG लगा रहा हूँ सारे PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाके डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इनको यहाँ से शेयर कर लेंगे Lightroom एप्लीकेशन में, तो मैं शेयर कर लेता हूँ यहाँ से। इस पर टाइप करेंगे और Lightroom एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे एडिट वाले ऑप्शन पर टाइप करके, और यहाँ पर थोड़ा लेट लगता है, और ये मेरा आ गया। और उसके बाद इधर स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा मेरा लाइट। इस पर जाएंगे और लाइट को कुछ हल्का बढ़ा लेंगे, और इनको माइनस कर देंगे हल्का, और इनको प्लस माइनस ही कर देते हैं, और इनको प्लस, इनको भी प्लस, और इनको भी हल्का करेंगे प्लस, और जाएंगे कलर वाले आइकन पर, जाने के बाद इनको बढ़ा लेंगे हल्का, और इनको इनको भी हल्का बढ़ाएंगे, और इनको भी बढ़ा देंगे हल्का, और इनको माइनस कर देंगे। उसके बाद चलेंगे मिक्स पे, यहाँ से मिक्स पे जाएंगे, जाने के बाद इसको उधर कर देंगे, और इनको इतना ही रहने देते हैं। और उसके बाद चलेंगे येलो वाले कलर पे, और इनको माइनस कर देंगे, इनको प्लस हल्का करेंगे, और ये हो गया।
उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, इनको प्लस कर देंगे। अप्लाई करेंगे और ये हो गया। उसके बाद फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। डन के ऊपर अभी क्लिक नहीं करेंगे, इस पर आएंगे। अब इनको माइनस कर देंगे, हल्का नहीं प्लस कर देते हैं। अब ये हो गया, फिर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इधर स्क्रॉल करेंगे और ये रहा मेरा, जो कि देख सकते हैं। और उस पर आएंगे और ये वाले साइज को माइनस कर देंगे और ये हो गया। और इनको भी, और इनको प्लस कर देंगे। और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, सेव कर लेंगे अपना गैलरी में। और ये डाउनलोड हो रहा है, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो ये मेरा गैलरी में सेव हो गया, ये देख सकते हैं मेरा गैलरी में सेव हो गया है। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।